नमस्कार, मैं हूँ आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। शौच के लिए गई दलित लड़की के साथ किया दुष्कर्म, पीड़ित की तहरीर को फाड़ कर फेंका, दूसरे तहरीर पर लिखा छेड़खानी का मुकदमा। गोंडा थाना मनकापुर ग्राम कुड़ासन के एक दलित प्रेम कौरी ने आज पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें दिनांक 11/10/2020 को उसके नाबालिग पुत्री मंजू, जो शौच के लिए गन्ने के खेत में गई थी, तभी गांव के रघुनंदन कहार पुत्र जगराम ने उसे दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी चीख सुनकर कई लोग वहां पहुंचे और पकड़ लिया। घटना की सूचना थाना मनकापुर में दिया। पीड़ित की तहरीर को पुलिस ने फाड़ कर फेंक दी, दूसरा तहरीर लेकर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन पीड़िता का कोई अंदरूनी मेडिकल नहीं कराया गया, केवल उम्र का मेडिकल कराया। अभियुक्त खुलेआम घूम रहा है और पीड़ित पर सुलह करने का दबाव बना रहा है। प्राइम न्यूज 24 ब्यूरो चीफ राजकरण अकेला एडवोकेट। क्या मामला है? बड़े लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार हुआ के बाद में वहाँ हमारे घर के तीन लड़के पकड़े गांव का। उसके बाद आपको कैसे पता चला कि आपके लड़के साथ दुष्कर्म या जो भी घटना हुई, आपको कैसे पता? हमका पता ये चला कि हमारे घर के तीन लड़के वहाँ गए, लड़की गुहार किया, लड़का तीन लड़के पहुँचे वहाँ पर, फिर वहाँ से लड़की और लड़का पकड़ के लेके आया। फिर जो लड़की बताई पूरा बताई वहाँ से, वो लड़का ने कहा ना यहाँ चले आवागा यहाँ थाना पर। कौन सा थाना? यहाँ मनकापुर थाना पर। क्या हुआ मनकापुर थाना? मनकापुर थाना पर लिखा पढ़ी हुआ, वहाँ से सुनवाई कुछ नहीं हुआ। वहाँ से प्रार्थना पत्र दिया, उसका लिखा पढ़ी हुआ? हाँ दिया, वहाँ से का बोले चीर दिया गा पूरा। चीर दिया मतलब? चीर दिया गा, इसीलिए मतलब वहाँ से बड़े लोग मनाई लाग गई उनकी। चीर क्या क्या चीर? क्या चीर थी वो जो तहरील दिया आपने, जो प्रार्थना पत्र दिया था? हाँ जी। थाना प्रभारी अधीक्षक को, उसको फाड़ के फेंक दिया, इसका मतलब कहने मतलब आपका है? हाँ। अच्छा, तो उनके बड़े लोग लाग गए वहाँ से, उनके साथ में। और क्या बोला, वहाँ से सुनवाई कुछ नहीं दिया। अब यहाँ एसपी साहब के यहाँ आई हैं? हाँ एसपी साहब के यहाँ से। आप क्या चाहती हैं? एसपी साहब से आपने वहाँ गुहार लगाई, आपकी बच्ची वहाँ गई है? हाँ हमारी लड़की वहाँ पर गई है। तो आप क्या चाहती हैं? हम उसका सजा चाहती हूँ। आपके लड़की साथ गलत काम किया है? हाँ। उनको सजा दिलवाना चाहती हैं? हाँ हम उसका सजा चाहती हैं, इसीलिए एसपी अभी से आई हैं। हाँ इसीलिए। क्या मामला है? हम लेटरिंग को गए थे और फिर हमें घास वगैरह रघुनंदन काटते रहे, मुन्ने देखे ना, और पीछे से हमें पकड़ लें और हमारे साथ गलत काम करें। जब हम चिल्लाने तो हमारे गांव का तीन लोग ही मैंने देखे, तब वो गए ना हमें जान से या मार डर दे और फिर गाड़ी दी। क्या किया है तुम्हारे साथ? गलत काम थाने में तहरीर दी आपने, जो थाना था वहाँ पे अपना शिकायत वहाँ दर्ज कराया आपने? हाँ करा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। किस थाने में? मनकापुर में। तो वहाँ क्या कहे, वहाँ जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने क्या कहा? हाजिर कर दिए, फिर अपने छोड़ा लेंगे और कोनो सुनवाई हुआ ना हुआ। आपका मतलब मेडिकल रिपोर्ट कराया गया, जो आपने मतलब गलत काम के आरोप लगाए हैं उसका मेडिकल हुआ है? नहीं, खाली एक्सरे करवाए नहीं। मेडिकल क्यों नहीं? मैं करवाई भी नहीं करी, लेके आए खाली घुमाए लेके चली गए। कई दिन लेके आए? चार रोज। चार दिन लेके आए हैं आपको? कहाँ, जिला अस्पताल लेके आए थे? महिला। कौन लेके आए? लेडीज पुलिस। आप यहाँ एसपी ऑफिस आई है तो क्या उम्मीद लेके आए, क्या मतलब आपको? हमें ये कहना है कि अरे हमारे हुआ कोनो सुनवाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या उम्मीद है एसपी साहब से, मतलब आपने प्रार्थना पत्र यहाँ भी दिया है? हाँ। ठीक है, तो क्या चाहती हैं अब, क्या आप चाहती हैं? उन्हें सजा दिलवा चाहिए थे। किसको? रघुनंदन को, जिसने आपके साथ मतलब जो घटना की है। हाँ।